YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ और हिमाचल प्रदेश बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के 18वां त्रिवार्षिक दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ हुआ है। अधिवेशन में प्रदेश भर के करीबन 300 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस अधिवेशन का शुभारंभ किया है और इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रामीण बैंक प्रदेश अध्यक्ष एपी शर्मा ने इस दौरान कहा कि बैंकों के एकीकरण के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की मांग भी की जा रही है, लेकिन मांगें अभी तक नहीं मानी गई, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है। और उस एकीकरण के अनुसार इस देश के अंदर एक मेगा बैंक की स्थापना होनी चाहिए और उस मेगा बैंक के स्वरूप इस देश के अंदर जो ये सभी 196 ग्रामीण बैंक चल रहे थे, इन सभी ग्रामीण बैंकों का एकीकरण करके इस देश के अंदर एक मेगा बैंक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होनी चाहिए। इस बीड़े को लेकर के हम काम कर रहे हो, आज तक भी हम काम